नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी, मगर रास्ते में ही वो क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अधिकारी और जवानों की जान चली गई। जांच एजेंसियों को हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अब बरामद हो गया है और वो जल्दी ही क्रैश के असल कारण का पता लगा लेंगे। मगर यह रुचि आपको भी होती होगी कि ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या है जो वो क्रैश के राज को खोल देगा। इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। ब्लैक बॉक्स का मुख्य काम होता है उड़ान के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना। यह एक बेहद मजबूत धातु टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम एक बेहद शक्तिशाली धातु है। ब्लैक बॉक्स ऊंचाई से गिरने, आग लगने या समुद्र में गहरा पानी में जाने से खराब नहीं होता है और वो हर विकट परिस्थितियों में भी डेटा को सेव रखता है। ये तो हो गई कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, अब आपको बताते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल साल 1950 में विमान हादसे बढ़ने लगे और हादसों के कारण का सटीक अनुमान लगाने का कोई उपकरण नहीं था। इसके चलते ही आखिरकार 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्च डेविड वॉरन ने इसका आविष्कार किया। अब यह सवाल है कि यह काम कैसे करता है। ब्लैक बॉक्स 88 प्रकार के आंकड़ों के बारे में 25 घंटे तक की रिकॉर्डेड जानकारी एकत्रित करके रख सकता है। विमान में आग लगने के उपरांत यह 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को एक घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को 10 घंटे तक सहन करने की क्षमता रखता है। इसका रंग काला नहीं बल्कि लाल होता है ताकि खोजने वालों को यह आसानी से नजर आ जाए। विमान का एक हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि विमान में हो रही आखिरी 2 घंटे की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह विमान के इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज और पायलट और को पायलट के बीच में हो रही बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीडीएस विपिन रावत का विमान क्यों क्रैश हुआ, उसकी सारी जानकारी जल्द से जल्द निकल करके सामने आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।